दलित नेता पर हमला, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जिगर कॉलोनी पोस्ट इलाके के छतरी वाले पार्क में बैठे थे सभी लोग। कुछ लोगों ने उससे मिलने की बात कहकर पार्क में आ गए और उसके बाद लल्ला बाबू से बात विवाद करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते एक युवक ने लल्ला बाबू के ऊपर हमला कर दिया, जिनको उनके साथ मौजूद सफाई कर्मचारियों ने बचाया। मुरादाबाद के पोस्ट क्षेत्र जिगर कॉलोनी में आज उस समय हड़कंप मच गया जब दलित नेता के ऊपर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। वे तो गनीमत यह रही कि उनके साथ सफाई कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने बमुश्किल उन्हें बचाया और हमला करने आए युवकों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हमला करने आए सभी लोग भाग गए। जिस गाड़ी से लल्ला बाबू से मुलाकात करने के लिए आए थे, वह गाड़ी छोड़कर वहीं से फरार हो गए। लल्ला बाबू का आरोप है कि वह दलित सफाई कर्मचारियों की आवाज उठाते हैं, इसीलिए उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। इससे पहले भी इन लोगों ने इस मामले को लेकर बात विवाद किया था, लेकिन आज ये लोग मुझसे मारपीट करने के लिए आए थे। वह तो गनीमत ये रही कि सफाई कर्मचारियों ने लल्ला बाबू डेविड को बचा लिया, वरना कोई बड़ी घटना हो सकती थी। घटना की जानकारी मिलते ही समाज के लोगों में आक्रोश है। समाज के सभी सफाई कर्मचारी एक साथ इकट्ठा हो गए हैं और पीड़ित लल्ला बाबू ने थाने में इसकी तहरीर दे दी है। प्रदेश में अब दलित सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लगातार दलितों को ही निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले भी मुरादाबाद जनपद के कांठ में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दलित परिवार को सरकारी जमीन पर रास्ता निकालने नहीं दिया जा रहा। अब देखना यह होगा कि मुरादाबाद प्रशासन इस ओर क्या कड़ा कदम उठाता है और आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक करता है। क्या नाम है आपका? मुझे लल्ला बाबू ड्राइवर कहते हैं। क्या हुआ आज आपके साथ, क्या घटना? आज मैं वहाँ बैठा था, देखो छतरी वाले पार्क में कर्मचारी काम तो लगाया था, तो कोई 10:30 बजे कुछ जाट समुदाय के लोग आए और उन्होंने आगे मामले को मुझसे कहा कि बोले भाई ये मामला ऐसे है वैसे, मैंने भाई मैं इसमें वो नहीं रखता हूँ। इसी बात को लेकर मुझ पर आगवा कर दिया उन्होंने, समन जो बनते निकाला, वहाँ की पब्लिक ने देखो मुझे बताया। एक गाड़ी लेकर आए थे स्काउट में, वो देखो छोड़ के आ गए, पूरे दुकानदारों ने बचाया मुझे और लोगों ने बचाया। किस मामले को लेकर विवाद? ये विवाद तो क्या है, ये लोग पहले भी एक सफाई कर्मचारी का मर्डर कर चुके हैं सोमपाल का, और जो काफ़ी आबाद का था उसमें विप्रो में छोड़ गए, इसी पार्टी ने करा था। ऐसे ही एक मामला मेरे पास लेकर आए थे, सब फैसला कर लिया, किसी मानदंड से हो गई थी, उन्हें करा दो। अब मुझसे ऊँचे नीचे बोले, मैंने भाई तुम मुझसे क्यों ऊँचे नीचे बोल रहे हो, तो बोले तो साले उधर पढ़िए। मैं कि नहीं हूँ। पुलिस आई थी मौके पे? हाँ, लेबर नहीं थी, बात शिकायत की आपने सारे के तहरीर दे दी मैंने। हाँ, क्या नाम है सर? मैं रंजीत सिंह काका वाल्मीकि समाज से हूँ, और आज जो लल्ला बाबू द्रावण जी भावादस के सर्वोच्च निर्देशक, इनके ऊपर जो हमला हुआ है, ये एक पहले से साजिश की जा रही है, क्योंकि एक सफाई कर्मचारी का रामगंगा बिहार में पहले भी ये लोग इसी तरीके से उसकी निर्मल हत्या कर चुके हैं, मर्डर हो चुके, और उसमें ये सभी लोग वादी हैं। चूँकि लल्ला बाबू सामाजिक व्यक्ति हैं, ये उनकी पैरोकारी करते हैं, कोई भी सफाई कर्मचारी अगर कहीं पर घटना होती है तो वहाँ जाकर सबसे पहले क्या नाम है जो आवाज़ बुलंद करते हैं, तो ये लोग जितने भी लोग हैं हमलावर, इन लोगों ने उसी जो मर्डर हो चुका है 6 साल पहले कर्मचारी का रामगंगा बिहार में, उसी को पैरवी और उसी को क्या नाम है जो इनको दबाने के प्रयास का ये काम किया गया है। और ये हमले यही नहीं, ये पूरे प्रदेश के अंदर दलित और दलितों में वाल्मीकि समाज है, ये उस पर किए जा रहे हैं, और ये बड़ी निंदनीय बात है कि समाज की सेवा करने वाले को लाभ ना देकर उसका शोषण करना, ये देश हित में पहली बार देखा जा रहा। और साथ में आप ये भी देखिए कि हम कहें तो कहें, किससे कहें, किससे कहें, भारत के अंदर जितने भी आयोग हैं आप देख रहे हैं, किसी भी घटना को लेकर एक भी आयोग, चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे वो मानव आयोग हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी आयोग हो, चाहे वो STSC आयोग हो, हमारे दलितों और वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उससे बिल्कुल चुप्पी साधे हुआ है ये आयोग। प्रदेश के अंदर महिलाओं पर कांड हो रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, तो ऐसा आयोग का किस क्या फ़ायदा, जो हमारे लिए बना हुआ आयोग हमारी समस्याओं के ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। एक कांग्रेस की महिला के ऊपर तो थप्पड़ मारने पर महिला आयोग संज्ञान लेता है, FIR दर्ज करता है, और दलितों में पद दलित वाल्मीकि समाज के लोगों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है,
चाहे वो हाथरस का ले लीजिए, बरलामपुर का ले लीजिए, कहीं का ले लीजिए। मुरादाबाद में भी अभी 2 मर्डर हुए थे, वो भी आपने देखा था, क्या नाम है, सुड़ जाति के लोगों ने। और आज ये जो हमला हुआ है ये भी एक सोची समझी साजिश है और हमारे समाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और मैं स्पष्ट आप लोगों के चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आप जितना हमारे समाज को कुचलने का प्रयास करोगे, जितना हमारा शोषण करोगे, जितना उत्पीड़न करोगे, हम उधर उतना ही जागृत होंगे और उतना ही और हम तुम्हारे ख़िलाफ़ में। और ये वाल्मीकि समाज सफाई मजदूर को कमज़ोर ना समझा जाए, हाथरस का प्रकरण इतिहास गवाह है, समझ रहे हैं। यहाँ कितने लोग आए थे हमला करने के लिए? यहाँ अभी पता चला है कि ये 6-7 लोग थे, योजनाबद्ध तरीके से आए थे। और हम आज के आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि लल्ला बाबू द्रामीण सहित जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि ये दबंग लोग हैं, समझ लो सत्ताधारी लोग हैं और ये कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपकी प्रथम मांग हमारी यही है कि FIR दर्ज कर इन दोषियों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और लल्ला बाबू द्रामीण जी को इसमें सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए। अगर ये नहीं होता है तो फिर वाल्मीकि सफाई मजदूर अन्य दलित संगठनों को लामबंद करके हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के साथ आपने एक लफ्ज़ बोला है, चाहे मैं सत्ताधारी हैं तो क्या मानते हैं बीजेपी के लोग थे? भाई मैं इस चीज़ को अभी कन्फर्म नहीं कह सकता, लेकिन जितने आप देख रहे हैं, जितने भी कांड हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सत्ताधारी नहीं तो और क्या है। मुझे तो ये प्रतीत हो रहा है कि योगी जी के जाति के लोग हमसाज हैं, ये लोग योगी जी के जाति के लोग। हाथरस का कांड हुआ है वो भी योगी जी के जाति के लोग हैं। हम ये है, हम समारी सबसे पहले, क्योंकि ये लोगों ने हमला किया है, वो तो यहाँ पर जागरूक लोग थे, दुकानदार लोग थे, सफाई कर्मचारी बैठे हुए थे, इसलिए क्या नाम है वो अपनी गाड़ी छोड़कर बाहर गए। हमें और पुनः बिल्कुल शक नहीं, बिल्कुल उम्मीद है कि ये पुनः इस तरीके की लल्ला बाबू के ऊपर हरकत कर सकते हैं और इसीलिए हम ये मांग करने जा रहे हैं। हम मांग करेंगे कि लल्ला बाबू द्रामीण जी को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है, सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जाती है, तो वाल्मीकि समाज आंदोलन को बाध्य होगा, दलित संगठन लामबंद होंगे इसमें, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत।